प्रियोजित भी अपना DJI Action 2 कैमरा खरीद चुका है, तो अभी देखता हूँ उसका जो कैमरा ना उससे कैसा रील्स वगैरह उठता है। और अभी इधर से तो निकलता हूँ और सानी भी शायद आ चुका है, मुझे बोला था कि कोहिनूर के पास जाने के लिए। तो दो तीन दिन से आप लोगों को ब्लॉग देखने को नहीं मिला होगा, तो एक्चुअली अभी सरस्वती पूजा है, तो अगर आप लोगों को सरस्वती पूजा वाला ब्लॉग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को पूजा का जो ब्लॉग है ना भाई मस्त होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ दिखाऊँ। तो मैं अभी रख देता हूँ मेरा बाइक को यहाँ पे। अभी प्योजित भी आ चुका है और सानी भी आ चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे जगह पे जो आप लोगों ने ब्लॉग में पहले कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। देखो एक्चुअली जिस वाले रोड पे हम लोग जा रहे हैं ना उस वाले रोड, मतलब सुना है एक्चुअली अगरतला जाते टाइम देखा था कि अच्छा किया था रोड को थोड़ा सा, और अभी जाके देखता हूँ कैसा है। प्रियोजित यार कब से मैं उसके सामने जाना था और वो मुझे ओवरटेक करके जा रहा है। एक्चुअली सामने ना थोड़ा पुलिस वगैरह बैठता है, तो थोड़ा सामने जाके तो अभी देखता हूँ। सानी ने हेलमेट भी नहीं लाया और हम दोनों के पास तो हेलमेट है बट सानी के पास हेलमेट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो CRPF वगैरह है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना थोड़ा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा CRPF वगैरह मिलेगा और पुलिस वगैरह भी देखने को मिलेगा। सामने मंथ में फेब्रुआरी के 16 या 17 तारीख को होगा जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान से चलते हैं। ये देखो भाई एनफील्ड से क्या निकल रहा है भाई, इसका शायद सर्विसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता, इसके साइलेंसर से ना भाई पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। और पहले हम लोग जाते थे ना इस वाले रोड से लेफ्ट साइड की तरफ, और अभी हम लोग इस वाले रोड पे नहीं जाएंगे थोड़ा, तो एक्चुअली सामने एक रोड है वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रोड है ना भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे रोड को सही करना था, बस जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना उस वाले जगह पे रोड को सही कर रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है उस वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन सा इंजीनियर होगा ये लोग। ये मेन रोड है, यहाँ से कार वगैरह चलते हैं और यहाँ पे रोड को भाई सही नहीं कर रहे हैं, और कार और जहाँ पे कार वगैरह नहीं चलता ना उस वाले जगह पे भाई रोड को अच्छा कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा जो बाइक है ना भाई। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कुछ इस वाले जगह पे, और अभी हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये देखो, तो अभी देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं कुछ इस वाले रोड पे, और POG जा रहे हैं उस तरफ, उसको पता नहीं था। तो अभी हम लोग फाइनली इस वाले रोड पे आ चुके हैं, ये मेरा पहला ब्लॉग होगा इस वाले रोड पे, ठीक है। तो थोड़ा सामने जाके देखता हूँ कि ये जो रोड है ना कितना सही है, सामने तक कितना हुआ है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा तो खुआ होगा, तो सामने देख सकते हो अभी भी रोड को ठीक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ भी ठीक है क्या नहीं। तो और थोड़ा सामने जाके देख के आता हूँ कि कितना सही है रोड।
यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो रोड है ना, नया नया हुआ है यहाँ पे। और एक्चुअली ये थोड़ा एडीसी एरिया है, तो हम लोग ये इस जगह पे कुछ ऐसा नहीं करेंगे बाद में हम लोग को। तो और थोड़ा सामने जाके देख के आता हूँ। देख के आना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो रोड है ना सामने जाके कहाँ से निकला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला जो रोड है ना कैसा लगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आके आप लोग कुछ उल्टा सीधा करते हैं और आपका क्रैश होता है या कुछ भी होता है, तो इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर मेरा ब्लॉग देख के आप लोग आओ या कुछ भी करो, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। मैं ऐसे ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो रोड है ना सामने तक बहुत दूर तक जा रहा है। तो जहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे जो ये से पुल है ना, यह इस जगह पे थोड़ा रोड ख़राब है, और उसके बाद जो रोड होता है ना रोड पूरा अच्छा हो जाता है। देख सकते हो यहाँ से अच्छा किया। और कुछ कुछ जगह है जहाँ पे रोड सही नहीं है। तो ये जो रोड है ना जब अच्छा हो जाएगा ना भाई, इतना खींचने में मज़ा आएगा। हम लोग अगरतला जाने में भाई अभी तो लगता है करीब करीब डेढ़ घंटा लग जाता है रोड की वजह से। तो उस टाइम हम लोग 40 या 50 मिनट तक चले जाएंगे अगरतला। तो यहाँ पे मैं जो तो साइड पे ना भाई एक लड़की था भाई, मुझे नहीं दिखा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा उली मारने के लिए ट्राई कर रहा था। तो और थोड़ा सामने चलते है भाई। आज ये पूरा जो रोड है ना इसको देख के रहूंगा। तो यहाँ पे देखो नीचे ना लग जाए। तो अभी देख सकते हो पहले वाला जो रोड है ना, तो यहाँ से आके यहाँ से होके चलता है, कनेक्शन है इसका। और अभी मुझे पता चल गया ये कहाँ से होके कहाँ जाता है। तो अभी जाते हैं हम लोग मतलब सानी के पास। सानी और पीयूष जो है ना यहाँ पे थोड़ा रील्स वगैरह बनाएगा, तो वहाँ पे चलते हैं। इस जगह का नाम शायद मुझे सही से नहीं पता, पद्दबिल होगा खुवाई का। तो आप लोग ज़रूर आना अगर अच्छा लगा तो इस वाले जगह पे। और भाई आके कुछ उल्टा सीधा मत करना, स्टंट वगैरह आप लोग मत करना। हम लोग हेलमेट वगैरह पहन के करते, ठीक है। तो अपना जो बाइक है इसको रख देते कुछ इस वाले जगह पे, वहाँ साइड पे। तो अभी सानी थोड़ा रील्स वगैरह शूट करेगा, तो अभी देखता हूँ मैं भी थोड़ा हुली वगैरह स्टंट वगैरह करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ट्राई करूँगा। और प्रियो जी थोड़ा उसका रील्स बना के देगा सानी का, ठीक है। अच्छा तो सानी थोड़ा रील्स वगैरह शूट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हो हम लोग का वीडियो देखने के लिए दो लड़की यहाँ पे आके बैठा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्टान वगैरह करके देखता हूँ कैसा उली होता है। तो एक एक दो उली तो मारना ही है। अबे गिर गया, गिर गया। गिर गया। भारी भाई यार मेरा लेग गार्ड भी तेरा हो गया यार, ये देख सकते हो यार। यार कुछ दिनों से बस गिर ही रहा हूँ। ये देखो भाई यार, मैं ना ऐसे मोड़ने के लिए ट्राई कर रहा था यार, गिरते गिरते फंस गया। तो ये देखो मेरा जो लेग गार्ड है ना ये तेरा हो चुका है, और लेफ्ट साइड में तो नहीं है। तो एक दो उली मार के देखता हूँ।
यहाँ पे भाई गिरूंगा ऐसा सोचा ही नहीं था। हाँ एक्चुअली राइट साइड में अपना जो बाइक है ना इसको ऐसे करके घुमा रहा था और भाई अचानक से ये जो हैंडल बार ना लॉक हो गया और उसके वजह से गिर गया भाई। मतलब शॉर्ट टर्न लेना ड्यूक 250 में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस बार थोड़ा ज्यादा ही उठ गया था। तो मुझे लगा था प्रियोजित मेरा ब्लॉग मतलब वीडियो बना रहा था और उसने एक भी शॉट नहीं उठाया। तो अभी अपना बाइक को रख दे तो थोड़ा इस वाले जगह पे। और आप लोग बताना कमेंट पे कैसा लगा। थोड़ा यहाँ पे क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। ये लोग तो अपना रील्स बना रहा है। ये है प्रियोजित चप्री बॉय। तो इसका चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लोग करेगा थोड़ा यहाँ पे रील्स। तो सानी अभी कौन सा रील्स बनेगा ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा अभी एक रील शूट करूंगा तो देखता हूँ कैसा होता है। एक्चुअली हमारे पास DSLR तो नहीं है, अपना मोबाइल रियल में से ही करता हूँ, ठीक है। ये टानवी वो एक्चुअली तो ये देखो आप लोग तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी देख सकते हो सूरज भी डूब गया और एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रिज की तरफ। देखता हूँ कोहिनूर पे जा सकते हैं। और आज इस वाले रोड पे नया मतलब फास्ट ब्लॉक है मेरा, ठीक है। और देखो आके ही गिर गया था मेरा जो लेग गार्ड है, ये फिर से तैरा हो चुका है थोड़ा सा ना। ये वाला जो लेग गार्ड है ना थोड़ा देख सकते हो इस साइड आ चुका है। और एक्चुअली इसका जो लेग गार्ड है ना भाई, हमारा जो KTM शोरूम से आता है ड्यूक में जितना भी लेग गार्ड आता है ना, इसका क्वालिटी है ना बहुत ही घटिया सा क्वालिटी है भाई। लेग गार्ड थोड़ा सा अच्छा देना था उनको मतलब। तो ये अभी देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई की तरफ। और सानी थोड़ा उली मार रहा था तो मैंने भी एक मार दिया। एक्चुअली गियर वगैरह जो है ना चेंज करना इतना अच्छे से नहीं आता। सेकंड गियर पे जब भी देता हूँ ना अपना जो बाइक है ना इसका सामने का जो टायर है नीचे आ जाता है। एक्चुअली अगर इसमें क्विक शिफ्टर होता ना भाई बहुत ही सही होता। दो तभी यहाँ से आराम से निकलते हैं। और मेरा जो ब्रेक लीवर है ना ये थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर मेरा बाइक का जो लेग गार्ड है ना इतना स्ट्रांग होता ना तो भाई मज़ा आ जाता। इसका जो लेग गार्ड है ना इसका मुझे कोई इस पर भरोसा नहीं है, ये आराम से टूट जाता है भाई। थोड़ा सा प्रेशर पड़ने भी अपना जो लेग गार्ड है ना ये टूट जाता है बीच में से। एक्चुअली प्रियोजित और सानी ने बोला था कि थोड़ा रिज वगैरह बनाएगा तो मैंने भी सोचा कि नया नया रोड है इस पर जाके एक ब्लॉग बनाता हूँ। तो हम लोग रुकेंगे थोड़ा कुछ इस वाले जगह पे। तो आई होप आप सभी को यह वाला जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग है ना यहीं पर ख़त्म करते हैं।